से चलाती धूप ध्यान से देखना बहुत ही मुश्किल है। शुक्र सनग्लासेस हैं, ये ना होते तो शायद मैं अंधा ही हो जाता। इनकी प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से मेरी आंखें महफूज हैं। एक ऐसी नेचुरल लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में भी मौजूद है जिसका काम कुछ सनग्लासेस जैसा ही है। जैसे कि हमारे मोबाइल फोन को स्क्रीन प्रोटेक्टर की जरूरत होती है, बिल्कुल ऐसे ही दुनिया को एक प्रोटेक्टिव लेयर की जरूरत है जो हमारे एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करे। इस लेयर को ओजोन लेयर कहते हैं और ये ऑक्सीजन से बनी हुई होती है। इसका फॉर्मूला O3 होता है, यानी ऑक्सीजन के 3 एटम्स में मौजूद होते हैं और एयर में मौजूद ऑक्सीजन के अंदर 2 एटम्स होते हैं जिसकी वजह से इसको O2 कहा जाता है। फर्क बस इतना है कि ओजोन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पर पॉइजनस होती है मगर ऑक्सीजन नहीं होती। ओजोन लेयर जमीन से 15-40 किलोमीटर दूर होती है, यही वजह है कि हमें इससे नुकसान नहीं पहुंचता। इसका काम सनलाइट की हार्मफुल रेस को एब्जॉर्ब करना है और साथ साथ स्किन कैंसर को प्रिवेंट करना है। यही वजह है कि स्किन कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और दुनिया का टेम्परेचर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ओजोन अगर ज्यादा डैमेज हो जाए तो दुनिया में जिंदगी नामुमकिन हो जाएगी। ओजोन के डैमेज हो जाने से टेम्परेचर दिन में बहुत हाई और रात में बहुत लो हो जाता है। ओजोन डैमेज को रोकने के लिए पॉल्यूशन को हमें कम करना पड़ेगा, वरना ओजोन को ओरिजिनल स्टेट में लाने के लिए हजारों साल लग जाएंगे। आई होप सो कि आपको ओजोन लेयर की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। दिस इज हसन आफताब, योर टी लॉगर, साइनिंग आउट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।